नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार योगों की। कौन कौन से हैं? शुभ माला, अशुभ माला, लक्ष्मी और गौरी योग। तीन शुभ योग हैं, एक अशुभ योग है जो उसके नाम से ही पता चल रहा है। हम ये भी देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं और इनके फल क्या होंगे, अर्थात परिणाम क्या होंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो आइए आगे चलते हैं। बात करते हैं पहले योग की, जो है शुभ माला योग। आप भी अपनी जन्मपत्रिका में ये सभी योग चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं शुभ माला योग, ये कैसे बनता है। यदि सभी ग्रह पांचवें, छठवें और सातवें इन भावों में विराजमान हों तो माला योग का निर्माण होता है। शुभ माला योग का निर्माण होता है। पुनः कहना चाहूंगा, शुभ माला योग क्या होता है? शुभ माला योग को ही सुमाला योग भी बोलते हैं। यदि जन्म कुंडली में सभी ग्रह पांचवें, छठवें और सातवें घरों में विराजमान हों तो शुभ माला या सुमाला योग बनता है। यहां पर राहु और केतु की गणना नहीं की जाएगी। राहु केतु इमेजिनरी प्लैनेट है, छाया ग्रह है, उनकी गणना यहां पर नहीं की जाएगी। बाकी सभी सात ग्रह पांचवें, छठवें और सातवें इन तीन घरों में हो तो माला योग बनता है, शुभ माला योग बनता है। शुभ माला योग के परिणाम क्या होंगे, फल क्या होंगे? जो व्यक्ति शुभ माला या सुमाला योग में जन्म लेता है, अर्थात जिसकी पत्रिका में यह योग होता है, उसके नीचे कई लोग कार्य करने वाले होते हैं। यह दानी प्रकृति का भी होता है, बंधुप्रिय होता है, पुत्र रत्न से युक्त भी होता है और धैर्यशाली होता है, धीरज होता है ऐसे व्यक्ति में। सरकार द्वारा या फिर उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा इसको सम्मान प्राप्त हो सकता है या उच्च पदस्थ व्यक्तियों से इसके अच्छे संबंध हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति पर कार्यकर्ता होता है, अर्थात यह दूसरों का कार्य करने वाला, या हम कह सकते हैं कि नौकरी पेशा वाला होता है, या फिर यह परोपकार करने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म पत्रिका में शुभ माला योग का निर्माण होता है। अब हम अगले योग पर आते हैं, अशुभ माला योग। इससे पहले हमने शुभ माला योग देखा, अब है अशुभ माला योग। कैसे बनता है? यदि जन्म कुंडली में सभी ग्रह मतलब सात ग्रह राहु केतु को नहीं ले रहे, तो यदि जन्म कुंडली में समस्त ग्रह सभी ग्रह 6, 8, 12 भाव में हो, जो कि त्रिक भाव है, अशुभ भाव होते हैं, तो सभी ग्रह 6, 8, 12 भाव में हो तो अशुभ माला योग का निर्माण होता है। अशुभ माला योग के फल क्या होंगे? जो अशुभ माला या अशुभ मालिका योग में जन्म लेते हैं, ऐसे व्यक्ति मर्डर करने वाले भी हो सकते हैं, किसी का वध कर सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कृतघ्न होते हैं, किसी ने कुछ इनके लिए किया भी तो उसका एहसान नहीं मानते। कलहप्रिय होते हैं, अर्थात झगड़ालू प्रकृति के होते हैं, और कुमार्गामी होते हैं, अच्छे रास्ते पर नहीं चलते। कई बार ऐसे लोग थोड़ा कायर किस्म के भी हो जाते हैं। कायर का तात्पर्य यह है कि वो साहस नहीं होता है, कई बार ऐसा इन व्यक्तियों में पाया जाता है और लोग इनकी निंदा भी करते हैं। जो बड़े व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका ये सम्मान नहीं करते हैं और जीवन में सामान्यतया दुखी रहते हैं ऐसे व्यक्ति जिनकी जन्म पत्रिका में अशुभ माला योग बनता है। हम बात करते हैं अगले योग की। अगला योग है लक्ष्मी योग। कैसे बनता है? यदि जन्म कुंडली में नवम भाव के स्वामी और शुक्र दोनों अपने घर में या अपनी उच्च राशि में स्थित होकर लग्न से केंद्र या त्रिकोण में हो तो लक्ष्मी योग बनता है।
यहां पर देखिए मैंने कुछ शब्द यूज किए, एक है कि अपने घर में, मतलब जो भी ग्रह है वो अपने घर में हो या अपनी उच्च राशि में हो। सभी ग्रह का एक एक उच्च राशियां हैं, जैसे कि सूर्य एक नंबर राशि में उच्च का होता है, चंद्रमा दो नंबर राशि में उच्च का, राहु दो और तीन नंबर राशि में उच्च का, चार नंबर राशि में गुरु उच्च के होते हैं, पांच नंबर राशि में कोई ग्रह उच्च या नीच का नहीं होता, छह नंबर राशि में बुध उच्च के होते हैं, सात नंबर राशि में शनि उच्च के होते हैं, आठ और नौ नंबर राशि में केतु उच्च के होते हैं, दस नंबर राशि में मंगल को उच्च स्थान प्राप्त है, ग्यारह नंबर राशि में फिर कोई ग्रह उच्च या नीच का नहीं होता, बारह नंबर राशि में शुक्र उच्च राशि के माने जाते हैं। तो यदि अब लक्ष्मी योग क्या है पुनः देख लेते हैं। यदि नवम भाव के स्वामी, अर्थात नवम भाव भाग्य भाव भी है, नवम भाव के स्वामी जिस राशि में है वो या तो अपने ही राशि में हो या अपनी उच्च की राशि में हो, और शुक्र यह भी अपने ही राशि में हो या फिर अपनी उच्च राशि में हो, और ये लग्न से केंद्र या त्रिकोण में हो, केंद्र अर्थात पहला चौथा सातवां और दसवां भाव, त्रिकोण अर्थात पहला पांचवा और नवा भाव। यहाँ धर्म त्रिकोण की ही चर्चा होती है, जब हम सामान्यतः त्रिकोण बोले धर्म त्रिकोण अर्थात पहला पांचवा और नवा भाव। तो कुल मिला के लग्न और त्रिकोण अर्थात पहला चौथा सातवां दसवां या फिर पांचवा या फिर नवा, इन भावों में नवम भाव के स्वामी और शुक्र ये अपने ही राशि में हो या अपने उच्च राशि में हो तो लक्ष्मी योग बनता है। लक्ष्मी योग के परिणाम क्या होंगे, फल क्या होंगे, जिस भी व्यक्ति की जन्मपत्रिका में लक्ष्मी योग होता है उसको स्त्री बड़े अच्छे स्वभाव की मिल जाती है, उसके साथ वह बहुत खुश रहता है। ऐसे व्यक्ति तेजस्वी होते हैं, समाज में इनका मान सम्मान होता है। जो भी इनके साथ लोग रहते हैं या इनके नीचे लोग रहते हैं उनकी रक्षा करने में, उनकी हेल्प करने में ये पूरी तरह से समर्थ होते हैं, धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति निरोगी होते हैं, सामान्यतया स्वास्थ्य इनका बहुत बढ़िया होता है, अगर छोटी मोटी कोई हल्की फुल्की बीमारी हो भी जाए तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। इनके पास वाहनों की कोई कमी नहीं होती है, भिन्न भिन्न प्रकार के अच्छे प्रकार के वाहन इनके पास होते हैं, सबके लिए ये आनंददायक होते हैं, खुद भी खुश रहते हैं दूसरों को भी प्रसन्न रखते हैं, दानी भी होते हैं, इनके पास जमीन जायदाद भी भरपूर होता है। अगर हम संक्षेप में बात करें तो लक्ष्मी योग एक उत्तम राजयोग की श्रेणी में आता है। अगला योग है गौरी योग। गौरी योग कैसे बनता है, किसी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा अपनी ही राशि में हो, चंद्रमा की राशि कौन सी होती है, कर्क राशि, तो चंद्रमा अपनी ही राशि में हो या चंद्रमा अपनी उच्च राशि में हो, चंद्रमा की उच्च राशि होती है दो नंबर राशि वृषभ राशि, तो यदि चंद्रमा जन्म कुंडली में अपनी राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, अर्थात दो चार नंबर की राशि में हो या फिर दो नंबर की राशि में हो, और लग्न से केंद्र या त्रिकोण में हो, अर्थात पहले चौथे सातवें दसवें पांचवें या नौवें, इन भावों में ही हो, चंद्रमा दो नंबर या चार नंबर की राशि में एक चार सात दस पांच नौ इनमें से किसी भी राशि में विराजमान हो, ये भाव है एक चार सात दस पांच और नौ, इन भाव में चंद्रमा दो या चार नंबर की राशि में विराजमान हो और बृहस्पति ग्रह इन्हें देख रहे हो। अब बृहस्पति की दृष्टियां कौन सी होती है, पांच सात नौ, पांचवी सातवीं और नौवीं, तो चंद्रमा पहले चौथे सातवें दसवें पांचवें या फिर नौवें इन भावों में दो नंबर या चार नंबर की राशि में विराजमान हो और गुरु ग्रह की कोई दृष्टि पड़ रही हो तो गौरी योग का निर्माण होता है। गौरी योग के फल क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे, तो
जिस भी व्यक्ति का जन्म गौरी योग में होता है या किसी भी व्यक्ति की जन्मपत्रिका में यदि गौरी योग बन रहा है तो वह सुंदर शरीर वाला होगा। वह किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, किसी अधिकारी का मित्र हो सकता है या आप कह सकते हैं अधिकारी गण उसके मित्र होते हैं। उसमें अच्छे गुण होते हैं, सद्गुण होते हैं, अच्छी संतान होती है। ऐसे व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं, समाज में इनका मान सम्मान होता है, वंश के जितने भी लोग होते हैं इनकी प्रशंसा भी करते हैं। और संक्षेप में कहें तो यह अत्यंत शुभ योग माना गया है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने चार बहुत ही सुंदर छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण योगों की चर्चा की। कौन कौन से योग थे? पहला शुभ माला, दूसरा अशुभ माला, तीसरा लक्ष्मी योग और चौथा गौरी योग। तो आप भी अपनी जन्मपत्रिका में अवश्य देखें कि कौन सा योग बन रहा है, आप कमेंट में भी बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।